आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मैक्स मीडिया सबा के साथ। देखिए, टिपू सुल्तान का विवाद जो है, आपको मालूम होगा कि हमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है टिपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ, टिपू ने क्या क्या किया है हमें सब मालूम है, कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टिपू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपकी मुँह में शोभा नहीं देगी। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास, नया इतिहास मत लिखिए। जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना, वो आप जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाए। असलम शेख के इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो कर्नाटक में जाकर टिपू सुल्तान का गौरव किया था कि एक ऐतिहासिक योद्धा है टिपू सुल्तान, एक स्वतंत्र सेनानी है टिपू सुल्तान, तो क्या आप राष्ट्रपति जी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए। ये ढोंग है, ये एक नौटंकी है। हमें मालूम है मुंबई में, मुंबई महानगर पालिका BMC, महाराष्ट्र की सरकार इस मामले में निर्णय लेने में बहुत सक्षम है। सर, टिपू सुल्तान के नाम को लेके क्या महाराष्ट्र में कुछ दंगे करने का, या कौन करेंगे दंगे? हिम्मत है, कौन करेंगे दंगे बताइए? जो दंगे करने की बात करते हैं ना, करके दिखाइए। यहाँ ठाकरे सरकार है, करके दिखाइए दंगे। देखिए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि पद्म अवार्ड, भारत रत्न की बात मैं छोड़ देता हूँ, पद्म अवार्ड जो है वो मरणोपरांत ज़्यादा दिए जाते हैं। आदमी आज जिंदा है, इतना बड़ा आदमी आज जिंदा है, आज जीवित है, तो मरने के बाद तुरंत सो दिया जाए। कल्याण सिंह कल तक जीवित थे, कल्याण सिंह का योगदान बहुत बड़ा है सार्वजनिक जीवन में, राम मंदिर की लड़ाई में मैं मानता हूँ ये, लेकिन कल तक तो जीवित थे। अगर वो जीवित थे उस समय अगर देते तो भी देते कि मेरा सम्मान हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंटेंसिव केयर यूनिट में होते हैं और उनको दिया जाता है, उनको पता भी नहीं होता कि मुझे सम्मान दिया है। अब उस बारे में कोई एक भूमिका होनी चाहिए। मैं भारत रत्न की बात नहीं करता, भारत रत्न का एक बड़ा सम्मान होता है। वीर सावरकर के लिए हम अभी तक वेट कर रहे हैं, हमने बालासाहेब ठाकरे जी की मांग की थी, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ऐसे पुरस्कार दिए जाते हैं स्टेट देखकर, कास्ट देखकर और धर्म देखकर।